नमस्कार, मैं हूं श्री उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई एंटी नारकोटिक सेल की बांद्रा यूनिट ने ड्रग्स डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गोरेगांव इलाके से 2 लोगों को 6.25 करोड़ रुपए की ड्रग्स समेत गिरफ्तार किया है। एंटी नारकोटिक सेल की बांद्रा यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 5 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है और इस कार्रवाई में 2 ड्रग्स सप्लायर्स को अरेस्ट किया गया है। इन ड्रग्स सप्लायर्स ने ये कॉन्ट्रैबैंड कहाँ से लाए थे और ये किन किन को सप्लाई किया जाता था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू। मुंबई ANC की बांद्रा यूनिट को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग गोरेगांव पश्चिम स्थित बस डिपो के पास ड्रग्स बेचने आने वाले हैं। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी संजीव सरकार के पास से 1 किलो 100 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है, जबकि दूसरे आरोपी सलीम खान के पास से 1 किलो 250 ग्राम MD बरामद किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत 5.74 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 65,000 रुपए नकद भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले भी NDPS कानून के तहत मामला दर्ज हो चुका है। सह पुलिस आयुक्त क्राइम मिलिंद भारंबे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त S. वीरेश प्रभु, पुलिस उपायुक्त ANC मुंबई दत्तात्रेय नलावड़े के निर्देशानुसार उक्त कार्रवाई मुंबई ANC की बांद्रा यूनिट के प्रभारी पुलिस निरीक्षक संजय चौहान की टीम ने की है। मुंबई से शिरीष उपाध्याय, खबरदार।